हे वेलकम्स माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज फिर आपके सामने न्यूमेरिकल का जो गुणा भाग जोड़ घटाना या फिर आपका घातों का जो बवाल होता है, वर्गमूल होता है, स्क्वायर, कुछ भी हो, चाहे वर्गमूल हो, स्क्वायर भी हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आप चुटकी में मिटा देंगे। वैसे भी पिछली वीडियो हम बहुत सारी इसमें न्यूमेरिकल पर बना चुके हैं, जोड़ घटाना, गुणा भाग या तमाम चीज़ें, घातों का, ये खेला, जितने भी चीज़ें होती है हमने बना चुका हूँ उसमें। आपका जैसे कि आपका भिन्न का जोड़ घटाना, गुणा भाग, इसके तरीके से मैं दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना, या आपका वर्गमूल कैसे जोड़ा जाए, व्यंजक कैसे जोड़ा जाए, एकदम बेसिक लेवल से जितने भी मैथमेटिकल से आपका जो इसमें प्रोग्राम यूज होता है उसको हम बता चुके हैं। जितने भी एक्सप्रेशन आपके आते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल हो, चाहे आपके बीजी व्यंजक में आपका अलजेब्रिक हो, जो भी हो, हम उसको बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करिएगा, मैथ का जो ट्रिकी बेड सोल्यूशन है उसमें आपको सारी चीज़ें हल करने को मिलेगी, और साइंस के न्यूमेरिकल की सोल्यूशन देखेंगे तब भी आपको मिलेगी। आज ये लगभग आपकी 17वीं 16वीं वीडियो होगी, इसकी पिछले बहुत धाकड़ धाकड़ आपकी ट्रिकी वीडियो है, फिर भी आप इसको जरूर देखना, तब उसके बाद डिस्क्रिप्शन चेक करना, यहाँ पर आपको पता चलेगा। आपको अगर ये सवाल मिल जाएगी तो आपको बहुत टाइम लगेगा हल करने में, मैं यहाँ पर आपको चुटकियों में हल करना सिखाऊंगा। ये सवाल आपको मिल जाएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर यहाँ पर हल कर दूंगा। यहाँ पर ये मिल जाती है तब भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा, पर इसको देखो कैसे मैं चुटकियों मुड़ा देता हूँ, और बेसिक लेवल से ट्रिक लेवल दोनों लेवल में आपको यहाँ पर समझ में आएगा। चलते मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं संतोष कुमार पटेल, और देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीरीज, जिस पर हम पूरा पूरा सिलेबस देते हैं, इंटर, हाई स्कूल सभी का, बाकी कंपटीशन लेवल का ट्रिकी वीडियो देते हैं, जिससे आपको ट्रिकी से निमोनिक ट्रिक से कुछ चीज़ें याद करना, और आपका शॉर्ट वीडियो भी मिलता रहता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ रूल्स। रूल्स हमारा ये कहता है आपका 100 है, आई मीन 100 को आपको कैसे, इसको हम फैक्टर में इस तरीके से तो लिख सकते हैं, 10 गुणा 10, बात समझ में आएगी, 10 मतलब 10 गुणा 10। अब 10 दहम्मा 100 फिर से होगा, यानी 10 10 जाकर 100 होगा ही, मतलब अगर कभी भी आपको 100 मिलता है तो इसका मतलब 2 10 है, कितना 10 है, 2 10। अगर आपका 1000 है तो इसका मतलब 3 10, कितना 10, 3 10, क्योंकि 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000। अब आपको समझ में आ गया कि जितने जीरो हैं इसका मतलब उतना 10, जितने जीरो हैं उतना 10, तो आपको इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। आप इस तरीके 10 है तो इसका मतलब 10 की घात 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 10 होगा, इसका लिखेंगे 10 घात 3। यहाँ से अब ये बवाल हम ना समझ करके इसको भी समझेंगे, इसको भी, अगर ये अगर 100 आ गया तो हम समझेंगे कि 10 घात 2 आ गया, अगर ये 1000 आएगा इसका मतलब समझेंगे 10 घात 3 आ गया। ठीक, ये चीज़ें हम यूज करते चलेंगे जहाँ जहाँ काम पड़ेगा। और यही चीज़ अगर आपका आ जाता है 10 की घात -2, 10 घात -3, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका उस जिसका ये माइनस लगा है उसको उतने 10 बार आपको क्या किया गया, तोड़ा गया है, उसको क्या गया, तोड़ा गया है, फोड़ा गया है, उसको काटा गया है, क्या गया है, काटा गया है, यानी इसको हम बटा में मानेंगे, क्या मानेंगे, बटा में। जब ये अपना स्थान चेंज करेगा तो अपना घात को ये जी, मतलब माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस है, मतलब माइनस में हो तो समझ लीजिए नीचे ही है, अगर ऊपर ऐसे लिखा हो तो समझ लीजिए कि ये नीचे गया, और अगर ये माइनस में नीचे लिखा हो तो समझ लीजिए ऊपर गया, याद रखना। जैसे आपका यहाँ पर अगर लिखा होता 10 घात -2 तो अब ये जा करके 10 घात 2 बन जाता, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया है ये चीज़ हमने बताना चाहा, तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 2, इसका मतलब ये 10 घात 3। इसको हम चलते हैं पहले हल करते हैं ये सवाल, 3 नंबर सवाल आपके सामने है, ठीक, ये है 1.9/3 हाई, ये है 380, मतलब 1.9 का भाग करेंगे 380 से, क्या 380 से कर पाएंगे, कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी रिक्स नहीं। अब इसका हम दशमलव हटाते हैं, दशमलव हटाने का रूल जो है पिछली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इतना डिस्कस इसमें नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाता है, जो हमारी वीडियो पहले देख चुके हैं वो समझ जाएंगे क्या हम कहने वाले हैं। दशमलव को जब आप हटाने की कोशिश करिए तो उसके विपरीत में, विपरीत मतलब उसके उल्टे में, अगर अंश में है तो हर में, हर में है तो अंश में, जितने अंक से दशमलव हो उतने जीरो का गुणा करें, जीरो का मतलब ये 2 जीरो का मतलब 100, 3 जीरो का मतलब 1000, और 1 जीरो का मतलब 10, ये चीज़। तो यहाँ पर इसका विपरीत ए अंश में है तो हर बनेगा, हर बनेगा तो यहाँ पर हम 10 बढ़ा देंगे, अगली बार इस तरीके से 10 बढ़ा देंगे, देखिए ये हो गया 10, बढ़ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक जीरो ए है, एक जीरो ए है, समझ में आ रहा होगा, अच्छा समझ में तो आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पर इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी काम पड़ेगा। तो 1 0 2 0, और मैंने बोला 2 0 का मतलब 10 घात 2, इसको 10 घात 2 हम लिख सकते हैं, चाहे 1 के साथ 0 हो चाहे वो किसी के साथ 0, उसको हम 10 की पावर दे सकते हैं जरूरत पड़ने पर। मत लिखिए इस तरह, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लिखते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम इसको काट देंगे 19 एकम 19, 19 दूना 38, और ये 2 का घात में आपका ये बन गया। लेकिन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही काट दिए 19 एकम 19 काट दिए, 19 दूना 38, और 19 उन्नम 0 बच गया, यानी 1/2 बच गया, 20 10 ये बन गया। और यहाँ पर देखते हैं तो 1/2 की पावर ये बन गया। दोनों को हम हल करते चलते हैं। अब ये 1 को 20 से भाग देंगे तो वही होगा कि दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 10 बनेगा, और 10 बनेगा तो 2 से कटेगा नहीं, फिर से 0 बढ़ेगा, तो 20 से फिर 100 बनेगा। यहाँ पर देखिए, पहले 10 बना, दशमलव गए 10 बना तो नहीं कटा, फिर 0 लगाए तो फिर 100 बना, तो 20 से काटेंगे 20 25 100, कितनी बार जाएगा, 5 बार। और ये नीचे भी 10, ये भी है, ये नीचे 10 ये भी है, तो इसको भी लेना पड़ेगा, तो 1 0 इसको भी ले लीजिए, तो 1 0 यहाँ बना दीजिए। अब सोचो कि कैसे मैं ले रहा हूँ इसको, अब 200 बना लीजिए, कितना 200। अब 200 को भाग 1 में दीजिए, तो देखिए 200 को भाग देंगे, 200 में जाएगा नहीं, तो इसको हम करेंगे 1 0 और यहाँ पर बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 1000, और 200 को पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार तो 1000 हो जाएगा। इससे आसान ये है, कहिए कैसे, देखिए इसमें इस तरीके से है कि आपका 2 का भाग करेंगे 1 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो बनेगा 0, तो 2 5 10 5 आ गया, और ये 10 की घात जो नीचे 2 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ऊपर नीचे प्लस में, ऊपर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो तो आपका दशमलव इधर भागता है, ये घात हटेगी अगर तो इधर भागेगा, और इस घात को इधर देखिए हटाएंगे तो 1 2 0 है, दो मतलब -2 है तो 2 अंक इधर आएगा, प्लस में हो तो इधर जाएगा, माइनस में हो तो इधर, तो यहाँ पर एक अंक तो ये है, उसके बाद 1 2 अंक अभी लाना है, 2 अंक और लेके चले जाए तो वही होगा, उत्तर वही है दोनों में। आप किसी भी तरीके से समझेंगे इसको, अगर समझेंगे तो इसमें हमको समझाने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार समझ लीजिएगा कैसे कैसे हमने समझाया, रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को एक बार फिर से, रिवाइंड करने के बाद आपको पता चल जाएगा। चलिए हम दूसरी चीज़ों को हल करते हैं आपके सामने। अगला सवाल आपके जो साथ है उसको इसको मिटा देते हैं, सामने आपके ये वाला हल करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने है आपकी बार 3 के, इसको हम 3 के साथ इसको काटेंगे, तो क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर बढ़ाएंगे, पता है ना, ऊपर बढ़ाएंगे, मैंने बताया अभी 3 अंक पर है, 3 अंक का मतलब 3 10, 3 10 का मतलब 10 घात 3, 10 घात 3 मैंने बढ़ा दिया, और यहाँ पर हमने इसको ये चीज़ कर दिया, और ये 10 घात 4 कर दिया। अब ये देखिए, इसको घात को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में है, तो प्लस में, अगर सेम घात रहे प्लस प्लस में ही रहे माइनस में, मतलब ये एक ही तरह घात देखे, तो घातों को घात से काट लीजिए जितना कट जाए, लेकिन ये तो बराबर है नहीं, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, और माइनस से फिर ये प्लस हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 3 ये है, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा 4 घात ये, और नीचे आपका 1 0 1 ये, तो कुल मिलाकर 3 4 7 हो जाएगा, 3 का आपका होगा कितना, 7। अब इसमें 7 है आपका, ध्यान दीजिए कितना है, 7 है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो क्या करना, इसमें के 2 3 0 ले लीजिए, इसका 3 0 ले ले लीजिए, यही 4 अपना ले काम बना लीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। देखो मैं बताता हूँ, ये रुकिए, तो वो भी कर सकते थे, 7 घात हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, 3 घात इसको, 3 10 घात 3 का मतलब 3 0, 3 0 का मतलब भाई 1000, तो 1000 का इसमें गुणा करेंगे अगर 1000 का, तो 3000 हो जाएगा, आपको पता है 3000 मैंने कर दिया, और ये जो नीचे 10 था, ये जो नीचे अभी 10 घात -4 है, इसको ले गए मैंने ऊपर, और 10 घात 4 आपका प्लस में हो गया, प्लस में, और बचा 1 1 0 3, और इसको डिवाइड करेंगे, 3000 भागे 1000 करेंगे, तो आप करिए 1000 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 1 1 कम कितनी बार 2 जाएगा, 2 बार, 1000 1 9 2000 1 9 2000 हो गया, 3 3 बार पढ़ेंगे ज़्यादा, क्योंकि 100 है इसको पढ़ेंगे, तो आपका 2.72 और 10 की पावर 4, ये मतलब इतनी बार आपका डिवाइड होगा। अब बताइए आपको 1000 का भाग पढ़ने में समस्या होगी, होगी ना, तो मैं बताता हूँ, आप अस्थाई रहिए, देखिए कैसे करता हूँ। अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ तक आप समझ गए होंगे बात को, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ना, ठीक है, यहाँ से मैं सीधा यहाँ पर आता हूँ पॉइंट पर, मैंने इसको ले गया ऊपर तो माइनस से प्लस हुआ, कहिए हाँ
प्लस तो हो गया, अब आप बता दिए। अब यहाँ पर देखिए एक है, एक के बाद दशमलव के बाद कितनी गिनती है, देखिए 100 ही तो है, 103 ही तो है, 103 ही तो है, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको आप क्या मानिए, इसको देखिए ये 100 है तो इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको आप 2 अगर मान लें, इसको क्या मान लें, 2, 2 मत मानिए, 1.5 ही मान लीजिए, ठीक है। अगर इसको आप मानेंगे, अगर 2 मानेंगे तो क्या होगा, 1 मान लेंगे तो दिक्कत है, इसको 1.5 मान लेते हैं, 1.5 का नहीं, मतलब कैसे 1.5 लिखा जाता है देखिए, अब हम बताते हैं, 1.5 आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, 1.5 इस तरीके से लिखा जाएगा ना, तो इसको मत मानिए। ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर एक है, इसको आप 1 न मान करके यहाँ कई बढ़कर इसको 12 बना लीजिए, क्या बना लीजिए, 12, 11 की जगह 12 बना लीजिए। अब इसका इसमें पहाड़ा पढ़िए, इसका इसमें पहाड़ा पढ़िए, और यहाँ का जो 3 पॉइंट ये था, ये 3 पॉइंट, इस 3 पॉइंट को अभी हम इधर ले लेते हैं, ये जो हमने बढ़ाया था जिसे यहाँ पर 3 पॉइंट, ये भी अब ज़रूरत पड़ेगी इसकी ना, तो इसको हम 3300 कुछ भी बना लेंगे, और ये 10 की घात 4 इसको हम ले ही जाएंगे, 12 का सीधा पहाड़ा पढ़ देते हैं। अब 12 का पढ़िए, 12 मैंने कैसे बनाया याद करिए, एक है यहाँ पर, यहाँ पर एक कैरी मैंने बढ़ा सकता हूँ, जो सार्थक वाला नियम होता है उसको एक बढ़ा कर मैंने इसको 12 बना लिया, बस वही करिए, 12 दूना 24 होगा, बातें 36 ज़्यादा, 12 दूना 24 होगा, दशमलव लगा दिए, किस लिए मैंने बोला दशमलव लगा दिए, बोलिए किस लिए मैंने दशमलव लगा दिए, क्योंकि मैंने यहाँ का जो दशमलव भी यहाँ से हटाया था, तो मैंने यहाँ 11 के एक ले लिया, तब इसको दशमलव बाहर हो गया, 2 ही अंक, तो मैं इसको दो ही कैरी करूँगा, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ पर कोई भी नहीं, पहले 3 ही लिए हैं बस वैसे देखने के लिए, इसको हटा दीजिए, रहने दीजिए, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, क्या मतलब है, तो 12 दूना 24 कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप हटाइए, वैसे ही 10 मैं ले ले रहा हूँ, 1 10 ले रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए 12 दूना 24 बच कितना रहा, 6 बच रहा है, तो 6 बचेगा तो आपका 60 बनेगा लगभग, बात ये 36, 12 चौके 43, 12 5 12 6 72, 12 6 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 5 60 होगा, तो आप 12 5 60 कर दीजिए, कट जाएगा एक एक आपका, क्योंकि 12 दूना 24 12 5 60, तो आपका ये 50 लिख करके आप इसको 10 घात 4 कर दीजिए, ये अब देखिए 72 था, ये 50 था, दोनों करीब करीब आ रहे हैं, 2 आपका यहाँ मिल रहा है, 50 ना मिले तब भी आप कर सकते हैं, 3 चीज़ों का पालन करके आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको और भी दिक्कत होती है तब भी उसके लिए एक जुगाड़ और है, उसको मत करिए, रहने दीजिए, उसको चलते हैं करते हैं, वीडियो पिछली वीडियो देखिए उसको, इससे ईजी है, क्या करेंगे इसमें और मैं बताने वाला था, जो अभी 100 जो 110 लीजिए, 3 को लेने की ज़रूरत नहीं, 110 का सीधा 300 में पहाड़ा पड़िए तब भी आपको आ जाएगा। चलिए मैं आगे देखता हूँ अगले सवाल को, इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखिए, आपका सामने इसमें आपका पहले हम क्या करते हैं, 4 को 4 से इसको हम काट देते हैं सीधा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बचा 4 5 20, 450 हो गया, और इसको आप लिख दीजिए, यहाँ 6 दूना 12 घात हो जाएगा, घातों का घात गुणा हो जाता है, 6 दूना 12 घात, और ये गुणा 10 के घात -5 घात, 5 में 450, इस 4 को भल्ली हटा दीजिए, क्योंकि 4 को हमने काट दिया है, ये 4 से कट गया। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, इसको करना क्या है, इसका दशमलव हटाना है, अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे आपका बढ़ेगा, और इसको हम ब्रेकेट अब तोड़ देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, नहीं नहीं ज़रूरत है, एक गलती की है, ये 2 6 दूना 12 की, इसको हम 2 बार नहीं किए, 6 का आपका ये 6 3 7 आप गुणे 6 3 7, इसको 2 बार करेंगे, क्या करेंगे, 2 बार करेंगे, तो इसका 2 बार अगर करना चाहते हैं तो क्या होगा कि आप इसको 2 बार गुणा कर लीजिए इस तरीके से, तो मैं गुणा नहीं करूँगा, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, आपका 6 का तो 6 छंक 36 होगा, अगर ये 6 छंक 36 है, और ये जो भी पीछे आपका है तो ये 36 और कुछ इसमें का आपका होगा, मान लीजिए 30 30 है, तो 30 30 का वो भी होगा आपका, तो हम 36 ना मान करके 37 मान ले रहे हैं, 37 केवल मान ले रहे हैं, ठीक है, और इसको हम दशमलव हटाएंगे, नीचे आपका कितना बढ़ेगा, 2 जीरो नीचे बढ़ेगा, याद रखिएगा 2 जीरो बढ़ेगा। अब हम पूरी चीज़ को काउंटिंग करते हैं, इसको हम ऐसे लिख दिए, इसको हमने 37 या 38 लिख दिए,
सैंतीस अड़तीस कुछ भी ले, 36 तो होगा, 6 × 36 होगा, क्योंकि 6.6 है, 6.5 के करीब आ रहा है, तो 6 × 36 होगा, तो 36 से कुछ और मान लेते हैं, बस बात यही है। तो नहीं तो एक बार सोचिए, देखिए 6 का होगा 36 और 7 का होगा 49, तो इसके बीच में हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि 6.5 के करीब में है ये, 6.5 के करीब में है, तो 36 के और 49 के बीच में हम मानना चाहें तो कम से कम हम 42 तक मान सकते हैं, याद रखिएगा, जैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ 36 न मान के और कुछ मान लेते, मान लीजिए हम 45 मान, 45 क्या 42 मान ले रहे हैं। अब इसको हम ये देखिए 10 घात 12 और 5, 12 और 5 इसको अगर हम कर देते हैं, यहाँ पर हम गलती किए थे, ये 6 के घात 2 वाला, 10 के घात 12 और 5, ये देखिए 6 × 2 = 12 और 5 घट गया, तो 5 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, और ये आपका 450। अब इसको डिवाइड करना, 1 0 का इसको हम वैल्यू काट देते हैं, यहाँ से ख़त्म है, 45 बच रहा है सीधा। अब 45 का सीधा पहाड़ा पढ़ना है, देखिए इसको हम 5 मान लें, क्या मान लें, 5 मान सकते हैं, चलिए 5 मान लेते हैं, 45 मान लेते हैं। अब इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं, तो हम 45 × 45 पढ़ सकते हैं समझने के लिए। अगर इसको 45 नहीं मानते हैं तो इसको हम 40 मान सकते हैं, क्या 40 भी मान सकते हैं, 40 मानते हैं, तो 4 यहाँ 40 मान लिए, मैंने बोला कहीं आप 36 और 49 के बीच में कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं 40 मान लिए, क्योंकि गुणा करने में आसान होगा। देखिए अब 4 0 = 0, 4 × 16 और 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12, कितना हो जाएगा 12। ये 0 मैंने कहाँ से काटा, इसमें 7 0 है, तो 1 0 को मैंने काट दिया, तो बच रहा है 6 0, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 6 0 मैं बचा रहा हूँ, और यहाँ पर 4 × 4 = 12 आपका ये हो गया, और बटा में आपका 45 है। अब ये सोचिए कि 45 से इसको काटिए, तो आपका देखिए 45 × 2 = 90, और 45 × 3 कितना हो जाएगा, 124 से ज़्यादा हो जाएगा, 45 × 2 = 90 हो रहा है, तो 45 × 3 हो जाएगा कितना, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 ए, और उसके बाद देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 = 13, 135 हो जाएगा। तो 45 × 2 = 90, 90 के बाद ये 24 में कितना बच रहा है, लगभग आपका बच रहा है कितना, 34, 34 इसमें जोड़ेंगे तो 436 बनेगा, और 45 × 2 = 90 होगा, तो 9 × 3 = 27, कम से कम 3 बार 3 4 बार, लगभग 4 5 बार, 5 6 बार जाएगा 45 को, इसको हम ले जाएंगे कितनी बार, 5 से काट लीजिए, कम हो जाए क्या मतलब, छोड़िए 5 से काटिए, 5 9 = 45, 5 2 = 10, 5 5 × 20, 5 9 = 45, और उसके बाद 5 2 = 10, 9 बचा। अब 9 से इसको काट सकते हैं, 9 2 = 18, इसमें कितना बचा, 6 बचा, 6 तो 9, देखिए 6 बचा है तो 69 मान रहा है, तो 9 और 72 मान लेते हैं, 9 67 9 और 72 मानिए, क्योंकि इसको कम ज़्यादा किए, इसको कम ज़्यादा ले सकते हैं, 9 और 72 कर दिए। अब 9 और 72 देखिए, 9 2 = 18, इसमें बचा कितना, 6 6 का 69 बनेगा, तो 9 और 72 कर दिए हमने, ज़्यादा ले लिया, कुछ इसमें बचा लेते हैं, कुछ इसमें बचा लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 2 बचा लेते हैं, 72 2 ज़्यादा किए, 2 है 2 बचा लेते हैं इसमें जान करके, तो 72 22 हो जाएगा, तो 9 3 27 हो कर दीजिए, कम ज़्यादा पढ़ लीजिए, 8 2 3 कुछ भी पढ़ सकते हैं। यह तो आप क्या करना, सीधा इसका 2 बार करना, 2 बार करने के बाद इसका गुणा करके सीधा 4 450 का भाग कर देना, तब भी आपका डिफरेंट वही आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको देख करके समझ करके करने की कोशिश करिए, मैं बेसिक से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको बेसिक करूँगा बहुत लंबा जाएगा और कोई कर भी नहीं पाएगा, क्या मतलब है इसको करने का। तो आप इसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लेकर, गिनती को ज़्यादा लीजिए कम लीजिए, इसी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे इसी तरह के इंपॉर्टेंट ट्रिक की वीडियो लेकर आएंगे, जो आपको काटने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। और बेसिक वीडियो जो मैंने भाग करके डिवाइड करके कैसे किया जाता है उसको भी बनाए, आप सोचेंगे कि है वैसे कैसे काट दिया गया, ऐसे बकवास कर रहा है, बकवास कर नहीं रहा है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसको आप ऐसे ऐसे करने की कोशिश करिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने बुक से हल करिए और अंकों को घटा बढ़ के हल कर लीजिए, आपका आंसर लगभग करीब में, लगभग में अबाउट में आपका आंसर आ जाएगा, तो वही आपका माना जाएगा। और अगर बेसिक डिवाइड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो बनाया हूँ, एकदम बेसिक से डिवीजन किया हूँ, पूरा लेवल से एकदम पूरा वही करेक्ट आंसर आएगा, आप उसको देखिए फिर, या तो उसको करिए, टाइम लगेगा और क्या होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक दिया, कमेंट जरूर कर देना, कैसी वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए, आप जरूर बता देना। ओके ओके, नमस्कार एंड जय हिंद, फिर मिलेंगे।
कोई इम्पोर्टेंट के लिए, गुड बाय। We'll be right back.